आज ही सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस लाल बटन को, साथ ही दबाइए इस बेल आइकन को, जिससे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल। दोस्तों, व्हाट्सएप पर और मेल पर बहुत सारे मैसेज आते हैं जिसमें दैनिक राशिफल यानी कि डेली राशिफल के बारे में मुझसे कहा जाता है कि बताइए। व्हाट्सएप पर हर व्यक्ति को आंसर देना संभव नहीं, क्योंकि कई बार जब हम लोग मैसेज खोलते हैं तो 300-350 मैसेजेस होते हैं उस पर, तो सबको आंसर मैं नहीं दे पाता हूँ, उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन कोशिश करूँगा आज से आपको दैनिक राशिफल देने की। तो जिन लोगों की क्वेरी रहती है दैनिक राशिफल के बारे में, वो क्वेरी अब आपकी धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। तो चलिए आज की बात करते हैं और आज से शुरुआत करते हैं एक नई चीज़ की, डेली हॉरोस्कोप यानी दैनिक राशिफल। और उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हम लोग मेष राशि की, कि 17 अगस्त को मेष राशि वालों का कैसा रहेगा। जितनी भी राशिफल ये आप देख रहे हैं, ये जनरलाइज्ड राशिफल है, ये किसी स्पेसिफिक पीपल के लिए नहीं है। स्पेसिफिक के लिए आपको फिर कुंडली विवेचन के लिए या अपनी जो पर्सनल एनालिसिस होते हैं उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। ये लगन बेस्ड होंगे, चंद्र राशि और सूर्य राशि पर नहीं होंगे, लगन बेस्ड होंगे। लगन का मतलब यहाँ पर यह है कि आपकी जो फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि है कुंडली में, ये उस पर बेस्ड है। बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों का दिन काफ़ी अच्छा यहाँ दिखा रहा है, काफ़ी अच्छे ट्रेंड जो है मेष राशि वालों के लिए दिखा रहे हैं। पैसे की स्थिति, फाइनेंस की स्थिति, अगर कहीं से पैसा मिलने वाला है, कहीं पैसा फंसा हुआ है, तो वो यहाँ पर मेरे को मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और स्थिति थोड़ी सी फाइनेंस के वाइज थोड़ी सी अच्छी यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि आपको हार्डवर्क पूरे दिन फिर भी करना पड़ेगा, लेकिन दोपहर के बाद स्थिति जो है वो धीरे धीरे सुधरती हुई आपकी दिखाई दे रही है, और इसमें अपने लोगों का भी समर्थन आपको पूरा मिलेगा। बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों का कैसा रहेगा कल का दिन। तो वृषभ राशि वालों का जो दिन है वो भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बुद्धिमत्ता के कार्य करेंगे। कल अगर आपकी कोई मीटिंग इत्यादि है या आपको कहीं पे कोई सेमिनार में जाके आपको बोलना है, तो उस लिहाज से काफ़ी अच्छा दिन है। और आपकी जो कल वाणी होगी, मतलब आपका जो बोलने का तरीका होगा, वो काफ़ी अच्छा होगा, जिससे लोग आपकी बात को अच्छे से समझ पाएंगे और वर्क प्लेस पे आपकी काफ़ी यहाँ पर जो जिसे बोलते हैं ना, तारीफ होती हुई दिखाई दे रही है। और जो फाइनेंशियल वाइज भी काफ़ी अच्छा ये दिन रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। तो पर्सनल रिलेशनशिप के मामले में ये दिन काफ़ी अच्छा है, आपका जो माइंड है काफ़ी स्ट्रेस फ्री रहने का रहेगा। वहीं अगर मैं व्यापार की बात करूँ तो व्यापार में भी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, और यात्रा के भी योग यहाँ पर दिख रहे हैं। तो अगर आप किसी यात्रा पर जाते हैं तो वो यात्रा आपकी ठीक ठाक यहाँ पर रहने वाली है। और जैसे मैंने आपको बताया कि फाइनेंस के मामले में भी ये दिन काफ़ी आपका अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर काफ़ी अच्छा दिन है, एंजॉय कीजिए। हम बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों को कल कुछ ऐसी स्थिति बन रही है कि जो रोज़मर्रा के काम है, डेली रूटीन है, उसमें थोड़े से अवरोध यहाँ पर मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आपको अपनों की मदद मिलेगी, जिससे वो काम जो है वो धीरे धीरे आपके हो जाएंगे। दिन की शुरुआत हो सकता है कुछ मेंटल स्ट्रेस से आपकी हो, या कहूँ जब आप सुबह उठें तो आपको लगे कि आज मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं, तो इसका स्ट्रेस आपके मन में आए, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। धीरे धीरे आपका दिन जो है वो ठीक रहेगा, और आप जो अपनी बात दूसरों के सामने कहना चाह रहे थे वो आप अच्छी तरह से अब कह पाएंगे। तो कुल मिला के जो समय है आपके लिए, वो आपके लिए ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों को। तो सिंह राशि वालों का जो ट्रेंड अभी चल रहा है, मैंने महीने वालों का जो दिया था अगस्त का, उसमें भी अगर आपने देखा हो तो सिंह राशि वाले कुछ परेशान से चल रहे हैं, कुछ असमंजस से चल रहे हैं, कुछ बातें जो पुरानी हैं वो कहीं ना कहीं उनके माइंड में चल रही हैं, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, वो बात करना चाह रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो बात आगे नहीं बढ़ रही है, कुछ तनाव में है। तो ये तनाव का जो टाइम है ये अभी भी आपका चलेगा, कल भी थोड़ा सा परेशान आप रह सकते हैं। रिलेशनशिप के मामले में मैं यही कहूँगा कि
अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं तो आप टाइम वेस्ट ना करें और बात कर लें। हालांकि अगर आपने किसी को पैसा दिया हुआ है तो पैसा मिलने की उम्मीद आप कल ना ही रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका रुका हुआ पैसा कोई आपको वापस कर दे देगा तो शायद मुझे ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कुल मिलाकर दिन जो है वो एवरेज है, तो ध्यान से चलिए। बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों के लिए दिन ठीक ठाक रहेगा। जो अधिकारी वर्ग है उससे आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। मनोरंजन के भी कुछ अचानक से जो है अवसर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं हो सकता है मूवी देखने आपसे ले जाएं, या कोई मनपसंद टीवी सीरियल आप देखें अपना, या क्रिकेट अगर आप खेलते हैं तो क्रिकेट खेलने के भी यहाँ पर योग मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिला के जो दिन है वो फेवरेबल है, एंजॉय कीजिएगा दिन को। अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि की। तो मम्मी की पक्ष से, मतलब जो मम्मी का पक्ष है आपका, तो मामा की साइड है, यहाँ से मुझे कुछ अच्छे समाचार मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो आपकी पार्टनरशिप है जिसके साथ, वहाँ पर भी कुछ अच्छे लक्षण मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई रूठ गया है आपसे तो आप उसको मनाने की कोशिश कीजिए। ये दिन काफ़ी अच्छा है आपके लिए और आपके दाम्पत्य जीवन के लिए और पारिवारिक जीवन के लिए ये दिन काफ़ी अच्छा है। कोई मनोकामना भी आपकी पूर्ण हो सकती है, तो दिन को काफ़ी यूटिलाइज करिए और मेंटल स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस जो है वो मुझे थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है दोपहर के 12 से 2 के बीच में। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि पर 7:30 का टाइम चल रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें अब धीरे धीरे इनकी बनने लग गई हैं। कामकाज में नई जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। कैरियर के मामले में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जॉब चेंज के बारे में ही सोचने लग गए हैं अब, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा बदलाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पैसों के मामले में भी काफ़ी क्लेवर होते हैं ये लोग और अपने आप को मैनेज करके चलते हैं। हालांकि दोनों ही बेसिस में रहते हैं, ये खर्चा भी खूब करते हैं और कंजूसी भी खूब करते हैं, तो उस लिहाज से थोड़ा ठीक है। तो एवरेज है इनका दिन, कोई बहुत बढ़िया भी नहीं कह सकता, बहुत बुरा भी नहीं कह सकता। बात कर लेते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए ठीक ठाक दिन है। भाइयों से आपको सहयोग मिलता दिख रहा है, दोस्तों से आपको सहयोग होता हुआ मिल रहा है, और पूरे दिन ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी जो है वो आप व्यस्त रहेंगे, मीटिंग्स में रहेंगे, कहीं घूमने जा सकते हैं, यात्रा पे जा सकते हैं। तो पूरे दिन जो है वो आपका थोड़ा हेडटेक रहने वाला है। तो मैं आपको सिर्फ यही बोलूँगा कि सेहत का ध्यान रखिएगा, सर में अगर दर्द हो कुछ हो तो प्रॉपर तरीके से पानी इत्यादि आप लेते रहिएगा, क्योंकि पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया में इस समय जो मौसम चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा उमस वाला चल रहा है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। तो धन लाभ होने के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर योगी दिख रहे हैं और कुछ परिवर्तन भी दिख रहा है। कहीं कुछ अगर आप अपना घर चेंज करना चाह रहे थे या ऑफिस चेंज करना चाह रहे थे तो उसके लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिख रही हैं, और नए नई अपॉर्चुनिटीज़, नए नए काम, नए नए कॉन्ट्रैक्ट होते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अगर आपकी कल किसी से मीटिंग है तो उसका पॉजिटिव मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव आपको मिलेगा, और कहीं ना कहीं आप अपने काम से सेटिस्फाई हैं इस समय। तो दिन बहुत अच्छा है, एंजॉय कीजिए इस दिन को। बात कर लेते हैं लास्ट राशि जो कि है हमारी मीन राशि। काम में मन थोड़ा सा यहाँ नहीं लग रहा है ऐसा मुझे लग रहा है, कहीं धोखे के संयोग भी बन रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा आँख नाक कान खोल के कार्य करें। अपने ज़रूरी कामों में बिल्कुल भी आप जो है मतलब किसी का ऐसा भरोसा वो ना करें, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि हम मीन राशि के पहले हम कुंभ राशि को भूल गए थे, तो हम कुंभ राशि को भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि कुंभ राशि किस तरह से परफॉर्म यहाँ पर कर रही है। तो मीन कुंभ राशि जो है उसमें भी मेरे को यही लग रहा है कि जल्दबाजी आपको नहीं करनी चाहिए अपने कामों में। कहीं ना कहीं थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी यहाँ पर दिखा रहा है, और जो आस्तीन के सांप हैं उनको वो आपको पहचानने की ज़रूरत है। और हालांकि जो कैरियर वाइज है वो उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन अगर आप किसी को पैसा उधार देना चाह रहे हैं तो आप थोड़ा सा बचिएगा, क्योंकि तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम वहाँ पर दिखा रहा है। तो दोस्तों कुंभ राशि का थोड़ा सा बोलने में मैं चूक गया था, तो उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। पहला प्रयास है मेरा डेली राशिफल का। अगर आपको पसंद आया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। कोशिश करूँगा जितना संभव होगा आप सबको रोज़ डेली बेसिस पर वीडियो दे पाऊँ, और कोई अगर आपको क्वेरी है तो आपको पास सब सबके पास नंबर्स हैं मेरे, तो
तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन जितने भी एनालिसिस हम लोग करते हैं वो एनालिसिस हमारे पेड होते हैं, ये आप अब सभी जान गए हैं। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं 18 अगस्त को, बात करेंगे 18 अगस्त की। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को।